भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा शानदार 56 रनों पर नाबाद हैं। इससे पहले गुरुवार को पहले दिन के खेल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को महज 177 रनों पर समेट दिया। चोट के बाद वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की घातक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 ओवरों में 47 रन देकर 5 विकेट लिए, जबकि अश्विन ने 42 रन खर्च करके 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्नस लाबुशेन ने 49 और स्टीवन स्मिथ ने 37 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरे भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 76 रन जोड़े। दिन का खेल खत्म होने के कुछ ही मिनट पहले राहुल 20 रन बनाकर आउट हो गए। आज टेस्ट के दूसरे दिन भारत अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए उतरेगा।